क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी की छवि अब तेजी से बदल रही है अकॉर्डिंग टू सैम पित्रोदा? पूरे देश में सब कुछ बदल रहा है। देखो बीजेपी भी बदल रही है, कितनी कमजोर होगी बीजेपी, लेकिन अभी भी फुल मेजोरिटी तो है एनडीए के पास। देखो दिल्ली लखनऊ में जो डबल इंजन की सरकार थी, वो डबल इंजन कहाँ है? वो टकरा रहे हैं, तकरार चल रही है एक दूसरे में। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। न्यूज 18 इंडिया के चौपाल कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शिरकत की। यहां अखिलेश ने चुनाव में जीत के लिए पीडीएफ परिवार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह केवल नारा नहीं था बल्कि भावनाएं थी। अगर बीजेपी के लोग बेईमानी से नहीं जीते होते, जिस तरह प्रशासन ने व्यवहार किया उस पर चुनाव आयोग एक्शन लेता, तो यूपी में इंडिया गठबंधन की 50 से ऊपर सीटें होती। अखिलेश यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी खूब निशाना साधा। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट, आइए देखते जाएगा। आपने तो मुलायम सिंह जी का भी रिकॉर्ड तोड़ा, क्योंकि तो सबसे ज्यादा सीटें 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने और उसके सहयोगी कांग्रेस ने जीती। 2004 में सपा ने 35 सीटें जीती थी, 26% वोट मिला था, और 2024 में रिकॉर्ड 33% वोट मिला है। जो सीटें हम लोग जीते हैं इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति से, भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमानी न करते तो 50 सीटों से ऊपर ये गठबंधन सीटें जीत गया होता। अच्छा, अभी भी आपको बेईमानी दिख रही है? कई लोकसभा की सीटें ऐसी हैं, और जिस तरह से प्रशासन ने व्यवहार किया था, प्रशासन अगर निष्पक्ष रहता और जितनी भी शिकायतें समाजवादी पार्टी ने की थी उस पर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन करता, तो आज 50 सीटें इंडिया गठबंधन की होती हैं और 50 से ऊपर भी हो सकती थी। लेकिन 37 सीटें बाद के जीतने के बाद भी आपको लगता है कि प्रशासन उन्हीं की तरफ था? प्रशासन को ये नहीं पता था कि इंडिया गठबंधन और ये हम लोग मिलकर के इतनी सीटें जीत रहे हैं। जब उनको लगा तो जो व्यवहार उनका हो सकता है वो व्यवहार उन्होंने किया। और कोई, मैं पहली बार नहीं ये बात बोल रहा हूं, रामपुर का चुनाव, बधाइयों का चुनाव, मेरे खुद का कन्नौज का चुनाव, मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग बूथ पर जा जा करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे थे और पूरा प्रशासन उनके साथ था। अच्छा, 36 सीटें एक तरफ, अयोध्या की सीट एक तरफ, अयोध्या की सीट आप लोग जीत गए और उसको आप और राहुल जी अपने बिल्कुल बगल में भी बिठाते हैं, क्या आप उस पर कहना चाहते हैं? और राम जी ने आपको आशीर्वाद तो दिया, अयोध्या में दर्शन के लिए कब जाएंगे? देखिए, अयोध्या फैजाबाद की सीट ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी रही जिसकी वजह से वो हारे हैं, और मैं बधाई देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिन्होंने लगातार जनता का साथ दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि अयोध्या की जनता ने, अयोध्या में भी आशीर्वाद समाजवादियों को मिला। अच्छा, आपने ये सवाल का जवाब नहीं दिया, राम जी के दर्शन के लिए कब जा रहे हैं? मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं वही बात दोबारा, क्योंकि बात बार बार वही कही जाए तो अच्छी भी नहीं लगती है जी। हमारा मंदिर भी निर्माण हो गया है लगभग पूरा, जैसे ही हमारे मंदिर का निर्माण हो जाएगा वहां का दर्शन करके सीधा मैं अयोध्या जाऊंगा। और फिर मंदिर आपका हमारा क्या, मंदिर तो सबका होता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए था, निमंत्रण क्यों दिया आपने? अगर भगवान सबके थे तो आप निमंत्रण से कैसे बुला रहे थे? आप पाबंदी क्यों लगा रहे थे कि आज आप नहीं आएंगे दर्शन करने? मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं, क्योंकि आपने बोला कि जाति देखकर और एनकाउंटर होते हैं, तो मेरे पास एक आंकड़ा है। 2017 के बाद से करीब 2207 अपराधी एनकाउंटर हुए हैं, करीब करीब 66 मुसलमान हैं, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर और 16 यादव हैं। अब आप बताइए अन्य में कितने हैं? क्या पूछा आपने? अन्य में भी अन्य, मेरे पास जो आंकड़ा है मैं आपको बता रहा हूं, आधा अधूरा पूरा आंकड़ा है ये। मैं इसी तरह आपके आंकड़े के हिसाब से मैं कहता हूं, मैंने अंग्रेजी अखबार का एक लेख पढ़ा जिसमें यह कहा गया कि जब से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की उसमें 18,000 ऐसी घटनाएं हुई हैं, 18,000, और अगर 18,000 हुई हैं तो वो जो आप आंकड़ा हमें बता रहे हो तो 18,000 का वो आंकड़ा कहां है? और हमारे पास ऑफिशियल तो 207 है, हमारे पास भी आंकड़ा है जी, निकालना है आप। तो आपको सब एनकाउंटर फेक लगते हैं जितने यूपी में हो रहे हैं आजकल 2017 के बाद से? कानपुर में गाड़ी पलट गई, कौन यकीन करेगा सरकार पे कि गाड़ी अपने आप पलट गई? पर कोर्ट ने तो माना, कोर्ट में गया मामला, कोर्ट ने तो बोला कि ठीक है। क्या जनता ये स्वीकार कर रही है बात? जो आसपास लोग थे वो स्वीकार कर रहे हैं क्या? और फिर आजकल तो जमाना गूगल मैप का है, हमें और आपको ये कोशिश करनी चाहिए थोड़ा फंड्स और एफर्ट्स लगा करके, हमें आज गूगल मैप से सब पता लग जाएगा कि कब गाड़ी पलटी थी वो। तो आपको लगता है वो गाड़ी पलटाई गई थी? मैं
जहां तक मुझे जानकारी है जी, जहां तक मेरी सोर्सेस कहती हैं कि गाड़ी पलटाई गई थी, और फिर जहां तक इनकाउंटर की बात है, आप अपने आंकड़े बता रहे थे, तो हमारे आंकड़े ठीक हैं कि आपके आंकड़े ठीक हैं? अब ये तो जनता तय करेगी, लेकिन मैंने तो आपको एनसीआरबी के आंकड़े तो आप मानेंगे? नहीं, बिल्कुल एनसीआरबी के डाटा, एनसीआरबी का जो डाटा कहता है वो यही कहता है जो मैं कह रहा हूं। एक आपने बयान दिया जिसकी बड़ी चर्चा है आजकल, माफिया और मठाधीश में कोई फर्क नहीं होता, जिसके बाद कई साधु संतों ने इसके विरोध में बयान दिया, इसको आप कैसे देखते हैं? आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और हर शब्द का एक भाव होता है। अगर मैं ये कहूं कि आप पत्रकारों के सबसे बड़े मठाधीश हैं तो आपको कैसा लगेगा? पत्रकारों, आप कह रहे हैं कि पत्रकारों के आप सबसे बड़े मठाधीश हैं? नहीं, आपको कैसा मुझे लगा? मुझे अच्छा लगेगा कि भाई आप मुझे ये बात बोल रहे हैं, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं कि सब पत्रकारों को मुझसे सीखना चाहिए, लेकिन आपने तो माफिया और मठाधीश को मिला दिया ना, तो सवाल उस पे है। मैंने, मेरा भाव गलत नहीं था? नहीं नहीं भाई, बिल्कुल आपके भाव को अच्छे से समझ रहा। आपको कैसा लगा? मैंने तो बोला मुझे तो अच्छा लगा, मैंने तो बोला मुझे अच्छा लगा। अच्छा, अगर आप ये बात, मैं तो आपका भाव अच्छा ही मान के बोल रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा। नहीं तो नहीं, आपने तो गलत भाव से नहीं बोला था। मैं अगर ये कहूँ आपको कि आप पत्रकारों के सबसे बड़े मठाधीश हैं तो कैसा लगेगा आपको? तो पर मैंने भी आपसे सवाल पूछा, माफिया और मठाधीश को मिला देंगे तो फिर आप तो कईयों को तो बुरा लगेगा। आप मैं जानते किसी भी निशाना कहां था? संत के खिलाफ नहीं बोला है मैंने, मैं आज भी जानते हैं आपका निशाना कहां, पहले भी इतने भोले नहीं है अखिलेश जी, आप भी जानते हैं आपका निशाना कहां है। तो यूपी में आजकल भेड़िए की काफी चर्चा है, देखिए, और जो भेड़िया है वो बड़ी दिक्कत भी कर रहे हैं, तो ये मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि भेड़िए कैसे आ गए यूपी में, भेड़िए क्या कर रहे हैं यूपी में। नहीं, यूपी जाना जाए अच्छी चीजों के लिए, कोई पॉजिटिव नैरेटिव तो यूपी जाना चाहिए, एक्सप्रेसवे के लिए, यूपी मेट्रो के लिए जाना चाहिए। योगी जी से पूछा गया तो भेड़िए के लिए यूपी जाना जा रहा है, पर योगी जी से पूछा गया, उन्होंने बोला कुछ आदमखोर भेड़िए प्रदेश के अंदर उत्पात मचा रहे हैं, ऐसी स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी, ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाते थे, इनके 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 एरिया बटे हुए थे, वसूली कहीं चाचा कर रहा था, कहीं भतीजा कर रहा था, महाभारत के सारे रिश्ते थे, ये योगी जी ने कहा। देखिए, पहले ये मान लीजिए वो योगी नहीं है, वो योगी नहीं है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, हमें जो जितनी कुछ हमें जानकारी मिलती है, जिस व्यक्ति को क्रोध नहीं आए वही योगी है, जिस व्यक्ति को क्रोध नहीं आए वो योगी है। और एक योगी से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर ये बातें योगी जी की हैं तो योगी जी खुद बताएं कि आदमखोर भेड़िया क्या कर रहा है। पर आप कह रहे हैं वो योगी नहीं है, वो गोरखनाथ पीठ के महंत हैं, तो योगी आदित्यनाथ हैं। जो योगी होता है वो त्याग करता है। अब कल को आप ये भी कहोगे कि अगर मैं कह दूं कि गोरख धंधा चल रहा है तो उसपे भी आपको आपत्ति होगी। अब आप गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का रुख करना चाहते हैं? नहीं, जहां गोरख धंधा चलेगा वहां बुलडोजर जाएगा। पर योगी जी कहते हैं कि नहीं, अगर योगी है तो क्रोध क्यों आ रहा है? एक, और फिर बुलडोजर जो प्रतीक बनाया है वो किसने बनाया प्रतीक? सच्चाई ये है कि जो लोग ये कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है उससे ध्यान हटा रहे हैं, ये जो डबल वो दूर टकराव चल रहा है दोनों के बीच में उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह का व्यवहार है। और बुलडोजर किसी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। क्या सरकार मानेगी कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक है? न्याय का प्रतीक हो सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मना कर रहा है कि इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। जिसके कागज हैं, जिसका नक्शा पास है, आप घर उड़ा दे रहे हैं केवल इसलिए कि आप डर दिखाना चाहते हैं। बहुत सारे बिल्डिंग्स तो गोरखपुर की तरफ, आप भी तो गोरखपुर की तरफ आप बुलडोजर करना चाहते हैं, इसमें क्या गलत है? जहां इलीगल काम होगा इसमें क्या गलत है? तो आपको लगता है गोरखपुर में सब इलीगल हो रहा है अभी से? लीगल क्या है वहां पर? कुछ तो लीगल होगा, कुछ इलीगल होगा। बीजेपी ने बोला ये हिंदुत्व पर हमला है, गोरखनाथ पीठ पे हमला है। ये किसी हिंदुत्व पे नहीं है, किसी पर यह हमला नहीं है। बुलडोजर जो नया प्रतीक बनाया है न्याय का नहीं हो सकता। जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, वो बुलडोजर प्रतीक नहीं मान सकते किसी चीज को लेकर के। जी, अगला सवाल कन्नौज में नवाब सिंह यादव को लेकर है।
एक घटनाक्रम हुआ उसको लेकर बीजेपी ने बहुत सारी इल्जाम आपकी पार्टी पे लगाए। प्रदेश में कहीं भी ऐसा दुष्कर्म होता है तो समाजवादी पार्टी बोलती है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन नवाब सिंह यादव के विषय पर या फिर मोहित खान के विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं जानता था ये सवाल जरूर आप लोग पूछेंगे। जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया है जी, उसका संबंध बीजेपी के नेताओं से बहुत अच्छा है। ये बात अगर आप जानना चाहें तो कन्नौज के पुलिस कप्तान से फोन मिलाइए, वो आपको सच्चाई बता सकते हैं। एक बीजेपी का गुट फंसाने में लगा था, एक बीजेपी का गुट बचाने में लगा था, इसमें समाजवादी पार्टी क्या करे? मेरा अगला सवाल है कि ये लाल टोपी को लेकर आजकल सियासत बड़ी गरमाई हुई है। कभी बीजेपी का कोई नेता, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, वो कहते हैं लाल टोपी है काले कारनामे। आपका जवाब क्या होगा? और काली टोपी के कैसे कारनामे होंगे? इसे लाल रंग में मत उलझिए, लाल रंग मां दुर्गा का है, लाल रंग सिंदूर का भी है, लाल रंग हालांकि आपके माइक पे भी है। और आपको टीआरपी बढ़ाने का मैं सुझाव देता हूं आपको, अगर इसकी टीआरपी 5 गुना बढ़ानी है आपको, जो पीडीए परिवार है 90% उसकी जितनी बात करेंगे उतनी टीआरपी आपकी बढ़ जाएगी। हम सबकी बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं। और मेरा अगला सवाल है कि ये सैम पित्रोदा हैं, उन्होंने बोला अब राहुल गांधी पप्पू नहीं है, उनके पास विजन है, वो पढ़े लिखे हैं। और क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी की छवि अब तेजी से बदल रही है अकॉर्डिंग टू सैम पित्रोदा? पूरे देश में सब कुछ बदल रहा है, देखो बीजेपी भी बदल रही है, कितनी कमजोर होगी बीजेपी, लेकिन अभी भी फुल मेजोरिटी तो है एनडीए के पास। देखो दिल्ली लखनऊ में जो डबल इंजन की सरकार थी, वो डबल इंजन कहां है? वो टकरा रहे हैं, तकरार चल रही एक दूसरे में। दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी, मौजूदा समय के नेताओं में अखिलेश यादव के जितना हाजिर जवाबी नेता कोई नहीं है। जिस तरह से गोदी एंकर की क्लास लगाते हैं वो देखने में मजा आ जाता है। तो वहीं अखिलेश यादव ने अयोध्या में बीजेपी के हारने के सवाल पर कहा अयोध्या में हारना भाजपा की नाकामी थी, जिसकी वजह से वो हारे हैं। बधाई हो सपा के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने जनता का साथ दिया, जिसका आशीर्वाद चुनाव में सपा को मिला। अखिलेश यादव के बयानों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।